नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी और आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो भी राकेश त्रिपाठी ही हैं। सो राकेश त्रिपाठी मीट्स राकेश त्रिपाठी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। दो फेजेस की वोटिंग हो चुकी है, तीसरे की तैयारी चल रही है, कुछ डर लग रहा है? नहीं, पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। डर तो उनको लग रहा है जो डरो मत का नारा दे रहे थे, डरो मत का नारा देकर के अमेठी छोड़ करके रायबरेली पहुंच गए हैं। डर उनको लग रहा है, डर उन माफियाओं को लग रहा है जिनकी आज बुलडोजर जिनके मकानों पर चला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद, जिनके गैंग और गिरोह पूरी तरह से आज धूल दूषित किए गए हैं। डर उनको लग रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता निर्भय है, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे आत्मविश्वास में भरी है। अब सेफर सीट तो हर कोई चाहता है, अब उन्होंने चाही तो इसमें क्या गलत है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर काम किया होता तो सारी सीट सेफ हो सकती है। वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो प्रथम परिवार के हैं, उनके लिए तो कोई भी सीट सेफ हो सकती थी। लेकिन हालत ये हो गई कि आज केवल रायबरेली एकमात्र सेफ सीट दिखाई दे रही है। लेकिन ये मुगालता भी हम तोड़ देंगे। हमने जैसे अमेठी का परिणाम पिछली बार दिया था, इस बार रायबरेली का परिणाम भी वैसा ही होगा और इस बार उनको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ जाएगा। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि दो दशक पहले की बीजेपी में एक नारा था, चाल चरित्र और चेहरा, अब सिर्फ चेहरा दिखता है एक आदमी का, ये ठीक है राजनीति के लिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की जो बात कर रही थी आज भी उस पर कायम है। आज हमारी है एक एक चाल आज जनता के बीच में दिखाई पड़ रही है, हमारा चरित्र जनता के सामने है। और चेहरा तो देखिए, भारत में हमेशा मूर्ति पूजा का मानने वाला देश रहा है, किसी न किसी की मूर्ति को तो पूजा हमेशा की जाएगी। एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और होगा। कहने का मतलब ये व्यक्ति परक राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति पर फोकस हो। कभी इंदिरा गांधी के ऊपर थी, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू के ऊपर थी, तो ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति पर फोकस पूरी राजनीति हो। देखिए, व्यक्ति विचार के साथ चलेगा तो व्यक्ति हमेशा पूजा जाएगा, व्यक्ति के भीतर विचार का आना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार के साथ चली है कि जिस व्यक्ति को दायित्व सौंपा जाएगा उस व्यक्ति के साथ में लोगों की भावनाएं निहित होंगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व नरेंद्र मोदी जी को सौंपा है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ आज पूरा देश खड़ा है। जब एक समय आएगा कि नेतृत्व का परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समय पर नेतृत्व का परिवर्तन किया है। जब नेतृत्व का परिवर्तन होगा तो उस विचार को ही प्रधानता तब भी रहेगी, वही राष्ट्रवाद का विचार, वही राष्ट्र को प्रथम रखने का विचार, जहां दल पीछे होगा देश पहले होगा। 80 में से कितनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रखी है, क्योंकि विपक्ष की जल गई है एकता की रस्सी, भाजपा जीतेगी यूपी में 80 में 80। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लखनऊ में जमे हुए हैं। हम भी लखनऊ में जमे हुए हैं क्योंकि हमारा कॉन्क्लेव है और एक नारा है लखनऊ में आते हुए, हमने देखा था कल रात, मुस्कुराइए कि हम आप लखनऊ में हैं। और हम मजा ले रहे हैं इस अदब के इस शहर का। तो अदब के इस शहर से मैं राकेश त्रिपाठी, इंडिया डेली लाइव।